अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर एमपी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में तापमान 1.2 डिग्री तक पहुंच गया है। पहाड़ों पर अगले 3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और यूपी में भी 2 दिसंबर तक बारिश का अलर्ट, चलेंगी तेज हवाएं, छाया रहेगा कोहरा। यह आम खबर आपको हम बता दें, यूपी के कई जिलों में लुढ़का तापमान, तो यूपी के कई जिलों में पारा लुढ़का हुआ नजर आया और पहाड़ों पर अगले 3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। यह आम खबर आपको हम बता दें, तो यूपी के कई जिलों में तापमान गिरता हुआ नजर आया और बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। और हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। अभिनव शुक्ला कानपुर से है, लखनऊ से पवन तिवारी हैं, विनीत गुप्ता संवाददाता लखीमपुर से जुड़ चुके हैं, प्रवीण गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अभिनव का रुख कर लेंगे। अभिनव, कानपुर में भी हमने देखा कि जिस तरीके से ठंड बढ़ती जा रही है, चाहे कोहरे की बात करें वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, और अब ठंड के चलते धूप भी बहुत कम निकल रही है। अनम्यूट कीजिए अभिनव, पहले अनम्यूट कीजिए। अभिनव अनम्यूट नहीं, अभी नहीं है, अनम्यूट कीजिए, उसके बाद ही अपनी बात को शुरू करिए। आपकी आवाज नहीं मिल रही अभिनव। चलिए ठीक है, आपके पास लौटेंगे, उससे पहले और संवाददाता है उनका रुख कर लेते हैं। पवन तिवारी के पास जाएंगे, पवन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पवन, पहाड़ों पर भी 3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है, जिसका असर साफ तौर पर मैदानी इलाकों में भी हो रहा है, लखनऊ में भी ठंड ने दस्तक दे दी है। अनम्यूट कीजिए पवन, आपकी भी आवाज नहीं मिल रही है। आवाज नहीं मिल पा रही है फिलहाल, यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ में, आपके पास लौटते हैं। फिलहाल बड़ी जानकारी, जहां पर पहाड़ों पर अगले 3 दिन बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी में भी अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। पहाड़ों पर अगले 3 दिन तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, यूपी में भी 2 दिसंबर तक बारिश का अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई। तेज हवाएं चलेंगी और कोहरा छाया रहेगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। पवन, लखनऊ में भी ठंड बढ़ गई है, पहाड़ी इलाकों में बारिश बर्फबारी का अलर्ट है, लेकिन उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में भी हम देख पा रहे हैं। हेलो जी पवन, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपको बता दें कि मौसम विज्ञान विभाग ने 2 दिन का अलर्ट जारी किया है, जिसमें पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार 2 दिन तक कुछ इलाकों में जो है बारिश होगी, और उसके साथ ही साथ जो कोहरा है वो काफी घना कोहरा होगा। लखनऊ के आसपास के जितने भी इलाके हैं, चाहे बात की जाए बाराबंकी, रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव, इन सब इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है, जिसका जो है असर आज सुबह देखने को मिला। साफ तौर से राजधानी लखनऊ में सुबह से ही धुंध छाया, काफी कोहरा छाया हुआ था, और कोहरे के कारण काफी ज्यादा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बात की जाए विमान सेवाओं की, तो विमान सेवा कल से ही बेपटरी है। कल भी जो है 3 विमान जो है डायवर्जन किए गए थे, जो लखनऊ आने वाले जहाज थे वो उनको एक जहाज झारखंड और एक जहाज दिल्ली को डाइवर्ट किया गया था। आज की बात की जाए तो आज भी दो तीन जो विमान है काफी लेट है, अपने तय समय से विलंबित हुए हैं, तो कोहरे का असर कहीं ना कहीं यातायात पर बुरी तरह पड़ रहा है। बात की जाए जो सड़क मार्ग की हो, चाहे विमान सेवाओं की हो, रेलगाड़ी की हो, तो सब पे असर पड़ रहा है, और आने वाले दिनों में स्थिति और भी खराब होने वाली, क्योंकि जो कोहरा है वो इसी तरह बढ़ता रहेगा। जो मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है, 1 तारीख तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी और कोहरे में वृद्धि होने की चेतावनी जारी की। तो अभी ये इस तरह मौसम की शुरुआत हुई है, लेकिन
शुरुआत के ही समय जो है जो दावे किए गए थे उसकी पोल खुलना शुरू हो गई है, चाहे विमान सेवाओं की बात हो चाहे रेलगाड़ी की बात हो, क्योंकि जिस तरह विमान सेवाओं को संचालन करने वाले लोगों ने कहा था कि इस बार कोहरे से निपटने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अभी कोहरा शुरू हुआ उसके बाद ही जो है विमान सेवाओं की गड़बड़ी शुरू हो गई है। तो इस तरह देखा जाए तो जो ठंडक है वो धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, और जो मौसम जो है चेंज हुआ है इसका प्रमुख कारण पश्चिमी विक्षोभ, पहाड़ों पर चल रही जो पश्चिमी हवाएं हैं वो पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते और जो वहां पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है उसका असर मैदानी क्षेत्रों में साफ तौर से देखने को मिल रहा है, और आने वाले दिनों में भी अभी जो है हल्की बूंदाबांदी जारी रहेगी और दिन का जो तापमान है वो कम होगा, क्योंकि जो सूरज है वो कम निकल उनकी किरणें कम यहाँ तक पहुंचेंगी, बादल छाए रहेंगे जिससे जो ठंडी है वो बढ़ने की पूरी संभावना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पर ठंड पड़ने की अभी आगे और भी संभावना है। कानपुर से अभिनव का रुख कर लेते हैं। अभिनव, कानपुर में भी कोहरे की घनी चादर देखने को मिली है और लगातार ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है, कितना असर यातायात पर पड़ रहा है सबका? बिल्कुल, जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है तो उसको लेकर उसके बाद से ही कानपुर में भी लगातार ठंड जो है अपने पैर पसार रही है। लगातार कोहरा सुबह और शाम कोहरा बढ़ रहा है, सूर्य देवता के दर्शन बहुत ही कम हो रहे हैं। सारा दिन भर की बात करें तो दिन में हल्की बदली सी छाई रहती है। अगर यातायात की बात करें तो इस लगभग 9 बजे से 10 बजे का भी समय अगर होता है तो विजिबिलिटी इतनी कम होती है कि लोग गाड़ियों की लाइट हेडलाइट जलाकर उनको चलना पड़ रहा है। और यही बात करें रेल मार्ग की तो कई ट्रेनें ऐसी हैं जिनको रोका गया है और कई ऐसी ट्रेनें हैं जिनकी रफ्तार को कम किया गया है जो लेट हो रही हैं लगातार, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर बस सेवाओं की बात करें तो परिवहन विभाग में भी यही चीज है कि बसों को थोड़ा लेट होना पड़ रहा है, बसें लेट हो रही कोहरे की वजह से, बसों की रफ्तार को कम किया गया है जिससे किसी तरीके की दुर्घटना ना हो। तो शहर में भी ठंड का असर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल।